तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में दे क्या रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट। अब हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ पैसे सेव करने होते हैं, जैसे पापा पॉकेट मनी देते हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ा नोट लेने की कोशिश करते हैं कि उसे हम आराम से सेव कर सकें। जैसे वो 100 रुपीज़ हमारी पॉकेट मनी है, तो हम क्या करते हैं, 100 का डायरेक्ट नोट लेते हैं। ये तो नहीं है कि 1-1 के मतलब सिक्के ले रहे हैं, या 2-2 के ले रहे हैं, या 5-5 के नोट ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 100 का नोट ले लेते हैं, जिससे हम उसे आराम से सेव कर सकें। तो जैसे पापा ने दिए हमें 90 रुपीज़, हमारी पॉकेट मनी है 90 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, पापा क्या देंगे हमें, 1 50 का नोट, देन 4 हमें देंगे 10 10 के नोट, मतलब हमारे 90 रुपीज़ पूरे हो गए, 50 + 40 90। अगर हमारे पास हो 900 रुपीज़, तो क्या करेंगे, हम सीधा 9 नोट्स ले लेंगे 100 के। ऐसी अगर हमारे पास कितने नोट, 1200 के लिए चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 12 नोट ले लेंगे। 1200 50 के लिए चाहिए, तो हम एक नोट 50 का ले लेंगे और 12 नोट्स ले लेंगे 100 के। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, हम प्रोग्राम लिख लेते हैं इसके लिए, एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h int main। उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले तो लेंगे अमाउंट, मतलब जो हमें यूजर देगा। अमाउंट के लिए एक वेरिएबल ले लिया अमाउंट। तो अब हमें इनपुट लेना है, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ एंटर द अमाउंट, तो वो अमाउंट देगा हमें यूज़र, उसे ये मैसेज शो होगा और हम स्कैन एफ कर लेंगे उसे इनपुट लेने के लिए। अमाउंट को स्कैन एफ कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें नोट्स पता करने हैं, तो हम इनके लिए एक अलग अलग वेरिएबल लेंगे। इसके लिए लेंगे हम 100 रुपी नोट HUN ले लेंगे, इसके लिए ले लेंगे FIF 50 रुपीज़ नोट, इसके लिए लेंगे 10, इसके लिए ले लेंगे 5, 2 के लिए ले लेंगे 2, और 1 के लिए ले लेंगे 1। ये हम ले लेंगे यहाँ पे वेरिएबल्स, तो ले लेते हैं HUN FIF 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ एंड 1 रुपी। तो हमने ये नोट्स ले लिए, मतलब इसके लिए एक वेरिएबल्स ले लिया। अब हम इसमें सेव करेंगे ना, तो अब जो भी अमाउंट आएगा, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे 100 से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सबसे पहला नोट अगर हमें छोटा चाहिए, जैसे 900 है, तो सबसे छोटा नोट चाहिए जैसे हमें, तो हम क्या करेंगे, नो नोट लेंगे 100 के। तो हम सबसे पहले स्टार्ट इसलिए करेंगे 100 से, तो हम क्या चेक करेंगे, पहले लेंगे HUN इज इक्वल्स टू, क्या लेंगे, अमाउंट, अमाउंट को डिवाइड कर देंगे 100 से। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, जैसे हमारे पास 900 है, उसे करा डिवाइड 100 से, तो क्या आंसर आएगा, 9। तो 9 नोट सीधे सीधे इसमें चले जाएंगे, ये होगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम पूरा मैं प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ आपको क्या क्या करेंगे। पहले मैं एक बार प्रोग्राम लिख लेता हूँ पूरा, अमाउंट मॉड्यूलो 100, ये हो गया 100 के लिए। अब ले लेंगे किसके लिए, 50 के लिए, FIF इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 50, ये 50 के लिए हो गया। अब अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉड्यूलो 50, उसके बाद लेंगे किसके लिए, 10 के लिए, 10 इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 10, और फिर क्या करेंगे, अमाउंट में, अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉड्यूलो 10। अब क्या करेंगे, किसके लिए लेंगे, 5 के लिए, तो 5 इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय किसके लिए, 5, तो अब अमाउंट में वापस अमाउंट मॉड्यूलो 5। अब क्या करेंगे, किसके लिए लेना है, 2 के लिए, तो 2 इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 एंड अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉड्यूलो 2, और एक ले लेंगे 1 के लिए, तो 1 इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 एंड अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट मॉड्यूलो 1, ये आ जाएगा। अब इसमें बेसिकली होगा क्या,
अगर अब हमारे पास 900 रुपीज़ है तो क्या करेंगे, 900 रुपीज़ के लिए, एक मिनट, 900 रुपीज़ के लिए क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर देता हूँ जिससे अलग अलग पता चल जाए कि क्या कर रहे हैं हम प्रोग्राम में। तो अगर हमारे पास अब यहाँ पे ले लेते हैं कि हमने यूज़र ने एंटर किया 900, तो यहाँ दिया 900, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जाएगा अमाउंट डिवाइडेड बाय 10, मतलब क्या होगा, 900 डिवाइड बाय 100 क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू आएगी, पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। अगर यहाँ पे कुछ और भी होता तो पॉइंट में जो वैल्यू होती है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है। तो 900 डिवाइडेड बाई 100, 9 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, जब ये हमारा 900 डिवाइडेड बाई 100 हुआ तो 9 आ गया हमारा 100 में, हमें 100 रुपीज़ नोट पता चल गए हम कितने लेंगे 900 के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा लेंगे, अब क्या कर रहे हैं हम 900 को रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या आया, 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, अब आगे अगर हम यहाँ पे करें, अगर हम यहाँ पे करने लगें तो हम सब में 0 आएगा कि 0 डिवाइडेड बाय 50, तो 0 हर चीज़ में भी यही आएगा, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया 900 के लिए। अब एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमें सारे नोट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑलमोस्ट ले लेते हैं एग्जांपल 859। तो 859 में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमारे पास यूज़र ने यहाँ पे एंटर किया 859, तो यहाँ ले लेते हैं, अब यहाँ क्या होगा, पहले 859 डिवाइडेड बाय 100 क्या आएगा, 859 डिवाइडेड बाय 100, 8 नोट्स, मतलब 59 बच जाएगा। अब क्या होगा, 59 को यहाँ पर इससे क्या किया हमने, मॉड्यूलस निकाल लेंगे। तो अगर हम मॉड्यूलस निकाल लें 859 मॉड्यूलस, मतलब रिमाइंडर 100, तो ये क्या आएगा, 59। मॉड्यूलस निकालेंगे मतलब अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 800 तो हो गया, निकल गया बाहर, अब 59 हमारा बचा। अब नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे क्या होगा, 59 डिवाइडेड बाय 50, यहाँ पे क्या आएगा, एक नोट आएगा, एक नोट आएगा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब अलग कर देंगे, तो लास्ट में हमारा बचेगा 59 मॉड्यूलस 50, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 9। हमारे काम का ये है, 800 में आ गया, 150 में आ गया, देन आगे देखेंगे। अब 10 रुपीज़ नोट हमारा एक भी नहीं होगा, कि मतलब अगर हम यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 10 करें तो क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, तो इंटीजर वैल्यू आएगी, तो मतलब 0 हो गया ये। फिर क्या करेंगे, मॉड्यूलस भी करके देख लेंगे, अगर मॉड्यूलस करते हैं 9 मॉड्यूलस 10, तो अगर हम 9 मॉड्यूलस 10 करते हैं जो न्यूमरेटर में होता है वही आ जाता है सेम, तो ये आ गया 9। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट नोट पे, यहाँ पे आया क्या, अब हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 9 डिवाइडेड बाय 5, 9 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 9 डिवाइडेड बाय 5 एक नोट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसका अब क्या करें, मॉड्यूल वो निकाले रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आएगा 9 बाय 5 इज इक्वल्स टू, अगर इसे डिवाइड करें तो आएगा 4। ठीक है, मतलब रिमाइंडर, सॉरी ये रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना, तो रिमाइंडर आएगा 4। अब 4 को हम आगे देख लेंगे, बेसिकली ये हम कर क्या रहे हैं, देखो जैसे 4 आया तो ये अमाउंट में डाल दिया हमने वापस, तो अब अमाउंट पे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं नेक्स्ट वाली, तो इसलिए ये वर्क कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिया था 859 डिवाइडेड बाय 100, तो 8 आ गया था, 8 तो चला गया 100 में। अब हमें अमाउंट में वैल्यू वो डालनी है जो हमारे पास बची है, मतलब 59, तो हमने क्या करा, अमाउंट मॉड्यूलस 100, मतलब रिमाइंडर 59 है वो अमाउंट में वापस चला गया। अब अमाउंट जो अगले वाला है ये कैलकुलेट होगा। इसके बाद हम पहुंच गए थे, हमारे पास क्या आया अमाउंट में 4। अब अमाउंट में 4 आ गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट में 4 आया, तो अब 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, दो नोट आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब अब करेंगे कैलकुलेट 4 मॉड्यूलस 2, ये आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा, 4 मॉड्यूलस 2 0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट वाली पे चलेंगे, अब हमारे पास अमाउंट में क्या है, अमाउंट में आ गया 0, तो अब यहाँ जब 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे ये भी 0 आएगा, मतलब 0 डिवाइड बाय 1 करेंगे तब भी क्या आएगा, 0, और 0 मॉड्यूलस 1 करेंगे तब भी क्या आएगा, 0। तो अगर हम 0 मॉड्यूलस 1 करें तब भी क्या आएगा, 0। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, क्या आ गई, 8 आ गया,
वन आ गया, जीरो आ गया, प्लस हो जाएंगे, अब इन्हें हम सबको प्लस कर लेंगे बस। ये आ गया, ये आ गया, तो अब क्या करेंगे, लास्ट में लगाएंगे, हमें टोटल निकालना है, तो अब एक वेरिएबल ले लेंगे लास्ट में बस, कि टोटल कितने नोट्स हैं हमारे पास। अब टोटल में डाल देंगे, टोटल इज इक्वल्स टू 150, सारे प्लस कर देंगे, 50, 10, 5, 2, 1, ये सारे प्लस हुए, बस इसे डेन प्रिंट करा देंगे, टोटल हमारा आ गया हमारे पास। कि तो यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स, और स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे स्मॉलेस्ट टोटल नंबर ऑफ नोट्स। फिर ले लेंगे यहाँ पे मॉड, और देन इसका प्रिंट करा देंगे इसको। तो अब एंटर करके देखते हैं वैल्यू, तो एंटर करके देखते हैं यहाँ पे वैल्यू, एंटर करते हैं 859, तो 859, 859 डालेंगे, तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नोट्स आ रहे हैं 12, तो 12 देख लेते हैं, 12 आ रहे हैं, नहीं देखो 8 9 10 11 12, ठीक है 12 ये आंसर आ रहा है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था इसका।